तो एकदम बढ़िया है, मस्त दुकान है। वाह भाई वाह, आपकी दुकान तो एकदम बढ़िया है और दुकान का नाम भी एकदम मस्त है, स्टॉप एंड शॉप, धोबो और खरीदो। थैंक यू थैंक यू। वैसे दुकान अगर अच्छी हो ना तभी कस्टमर माल खरीदने आते हैं, जैसे कि आप आ गए। सही बात है, रेपर एकदम बढ़िया होना चाहिए, फिर प्रोडक्ट कुछ भी हो। हमारी दुकान जितनी अच्छी है ना सर, उतने ही अच्छी क्वालिटी के कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। अरे भाई मैं मजाक कर रहा हूँ, अच्छी दुकान है इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ, अच्छी चीजें लेने के लिए। देखिए, अरे मुन्ना। हाँ सेठ जी। जरा कपड़े दिखाना इनको। हाँ, तो बच्चों की दुकान में माल दिखाने के लिए भी मुन्ना ही रखा है सर। बचपन में उसके मम्मी पापा के लिए वो प्यारा मुन्ना था, लेकिन बड़ा होने के बाद सबके लिए वो मुन्ना ही रह गया। हाँ, अब सेठ का दुलारा मुन्ना है क्यों? बोलिए सेठ जी। हाँ बागा, सब प्लान के मुताबिक कर रहा है ना? हाँ सेठ जी, एग्जैक्टली प्लान के मुताबिक ही कर रहा हूँ, काम हो गया है सेठ जी। क्या बात, चल मैं बाद में फोन करता हूँ। ठीक है सेठ जी। अब आएगा मजा जब सुंदर मुझे फोन करेगा। ये आपका सारा सामान पैक हो गया, अब पेमेंट। अरे अभी एकदम रोकड़े से ही, तुरंत दान महापुन। एक और बेटा अभी करवा देता हूँ। हाँ बोल सुंदर। हेलो हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। आप फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अरे वो मैं दूसरे फोन में, मतलब दुकान के फोन में बात कर रहा था। बोल बोल। कोई बात नहीं माय डियर जीजा जी, वो क्या है कि मैंने सब माल पैक करवा दिया है और अभी पेमेंट करना है, तो आप बागा को पेमेंट के साथ भेज दो ना। थोड़ी देर लगेगी सुंदर। क्यों? अरे वो खन्ना साहब का मैनेजर जिससे पेमेंट मिलने वाला था ना, वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो बस उसके पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और मैं तुरंत बाका को भेज दूंगा। तो और कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है अभी 6 बज रहे हैं ना, तो 7 बजे तक आ जाएगा बाका। एक और घंटा? हाँ बस एक और घंटा। तो एक काम करना ना माय डियर जीजा जी, अगर शायद वो एक घंटे के अंदर आ जाए ना, तो आप सामने से मुझे फोन करके बता देना। प्लीज प्लीज। हाँ जरूर जरूर। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके, एक घंटे में आपका पेमेंट हो जाएगा। ओके ठीक है जी, ठीक है। जीजा जी से बात हो गई, एक घंटे में पेमेंट हो जाएगा, फिर सामान लेकर सीधे। अरे भाई सुंदर भाई, 7 बज गए, जीजा जी को फोन तो करो। आपने एक घंटे में पेमेंट देने के लिए कहा था, क्या हुआ? हाँ पेमेंट दीजिए, देखिए मुझे दूसरे भी काम है। हाय हो जाएगा, अभी आपका पेमेंट हो जाएगा, मैं फोन करता हूँ, फटाफट पेमेंट आ जाएगा। बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। हेलो हेलो जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। अरे आवाज नहीं आ रही है, जरा जोर से बोल। अरे माय डियर जीजा जी, मैं सुंदर बोल रहा हूँ, और इससे ऊंचा बोलूंगा तो मेरी स्वर पेटी बाहर आ जाएगी। हाँ बोल। अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख का क्या हुआ? 2 लाख? किसने मारी तुझे? अरे माय डियर जीजा जी, 2 लाख नहीं, 2 लाख, 2 लाख रुपए का क्या हुआ? बाघा आया? नहीं वो अभी तक नहीं आया भाई। अभी तक नहीं आया? अरे नहीं, वो खन्ना साहब का मैनेजर कब से बोल रहे पहुंच रहा हूँ, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा। मुझे लगता है अभी काफी देर हो गई, तो अभी बस पहुंच ही रहा होगा, तो पहुंचते ही वो पेमेंट दे देगा और फटाफट बाघा तेरे पास आ जाएगा। अरे माय डियर जीजा जी, आप तो बता रहे थे कि खन्ना साहब की दुकान तो बहुत दूर है, अब बाघा वहाँ से कब निकलेगा और कब यहाँ पे आएगा? मुझे लगता है 1 और घंटे में बाघा पक्का तेरे पास पहुँच जाएगा। 1 और घंटा? इतनी रात देखी है तो 1 घंटा और सही। धीरे धीरे जरा। अरे भाई वहाँ टावर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं जोर से बात कर रहा हूँ, बाकी मेरी आवाज नीची ही है। अरे भाई डियर जीजा जी, मैंने यहाँ माल सब पैक करवा लिया है, और जिनसे माल लिया है वो दुकानदार भी कब से मेरे पास से पैसे मांग रहे हैं। अरे समझ सकता हूँ, लेकिन तू उनको भी समझाना भाई,
कि भाई इतनी रात देखी है, थोड़ी देर और सही पैसे मिल जाएंगे। तो एक घंटे के बाद पैसे मिल जाएंगे ना? हाँ पक्का पक्का। थैंक यू माय डियर जीजा जी, थैंक यू। ओके भाई एक घंटे में। फोन आप काट चुके हैं। तू खा। अरे भाई 8 बज गए, कब मिलेगा पेमेंट? पाँव में। अरे ये लोग बोल रहे हैं कि 5 मिनट में आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। एक मिनट, मैं अभी फोन करता हूँ, तुरंत पेमेंट आ जाएगा। एक मिनट। हाँ बोल सुंदर। हेलो माय डियर जीजा जी, बाघा को पैसे मिले कि नहीं? अरे नहीं भाई, अभी तक नहीं मिले। अरे क्या बात कर रहे हो माय डियर जीजा जी, 6 के 8 बज गए। तो जिसके पास से मैंने माल लिया है उसको मैं क्या जवाब दूँ? तुम एक काम कर, मैं अभी बाघा को फोन करके वापस 2 मिनट में तुझे फोन करता हूँ, ठीक है? अरे जल्दी करो यार, इज्जत का जनाजा निकल जाएगा माय डियर जीजा जी, जल्दी करो। मिल जाएगा आपको आपका पेमेंट, मिल जाएगा। शांति रख रहे हैं थोड़ी बार, लोहे पी गयो। कचाड़। 5 मिनट के बाद चले जाना, ठीक है? अरे भाई आपका आदमी पैसा लेकर आएगा या नहीं? आएगा, अभी 5 मिनट में वो इंसान आ ही जाएगा भाई, थोड़ा धर्मपत रखो। सुंदर भाई एक बात बताओ, यहाँ एक गड्ढा लगा दो। मगज में गोदा वागे चंते ना, तेरे गादला हुजे रोक बारिश ना बाप। एक मिनट भाई, आपका पेमेंट हो जाएगा, एक मिनट। बोल सुंदर। हेलो जीजा जी, कुछ बात हुई? हाँ बागा से बात हुई, तो वो खन्ना साहब का मैनेजर तो पहुंच रहा हूँ खाली बोल रहा है, लेकिन अभी तक नहीं पहुंचा वहाँ दुकान पे। तो अभी? अभी उसके भरोसे रहने का कोई मतलब नहीं है, मैं कोई दूसरा जुगाड़ करता हूँ। तो एक काम कर, तू जो माल खरीदे ना वो लेकर स्टेशन पहुँच। ओके। और वो दुकान के एक आदमी को भी स्टेशन तक साथ में ले ले, बोल पैसे वहाँ स्टेशन पर मिल जाएंगे। अच्छा, पर जीते जी उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी ना? अरे गड़बड़ कैसे होगी सुंदर, मैं खुद आ रहा हूँ तुझे विदा करने। ओके ओके भाई डियर जीजा जी, हो गया आपके पेमेंट का बंदोबस्त हो गया है। देखो सब बंदोबस्त हो गया है। एक काम करो, सबसे पहले आप यह सब सामान के साथ आपके एक इंसान को मेरे साथ रेलवे स्टेशन भेजना है, वहाँ पे पेमेंट रेडी है। जैसे आपका इंसान मेरे इंसान को सामान देगा, मेरा इंसान आपके इंसान को पेमेंट दे देगा। पेमेंट क्लियर? ओके। लेकिन अगर पेमेंट नहीं मिला तो ये सब सामान, ये सब माल मैं वापस ले लूंगा बस। और पेमेंट मिल गया तो क्या डबल माल दोगे? बचा कर रहा हूँ भाई, बचा। देख भाई मुन्ना, हाँ इनके साथ जाना और पेमेंट मिलने के बाद ही सामान देना, ठीक है? ठीक है सेठ जी। माय डियर जीजा जी, कहाँ रुक गए आप? छे यार कितने बजा दिए माय डियर जीजा जी ने, अब तक तो आ जाना चाहिए था उनको। ओ भाई साहब, आप मुझे रेलवे स्टेशन तक तो ले आए, अब जल्दी पेमेंट कर दो। अरे भाई आपका पेमेंट हो जाएगा, बस सिर्फ 5 मिनट के लिए आप रुक जाओ बस। आप 4 घंटे से बोल रहे हो 5 मिनट, कब मिलेगा? अरे सुंदर भाई ने बोला ना पेमेंट मिल जाएगा तो मिल जाएगा। हेलो, अबे अपने व्यापारी बने धीरे। ए आगे आगे जीजा जी आगे। पैसे लेके तो आप आने वाले थे ना? हाँ नहीं, मैं ही लाने वाला था, लेकिन फिर बागा से बात हो गई और सारी व्यवस्था हो गई है, वो 5 मिनट में बस पहुंच ही रहा होगा। अरे कब से आप 5 मिनट बोल रहे थे, अब ये भी 5 मिनट बोल रहे हैं, अब बहुत हो गया, अब मैं अपना माल वापस लेकर जा रहा हूँ। अरे भाई रुको ना भाई, इतनी देर रुको तो 5 मिनट और से। अरे माय डियर जीजा जी, आप फटाफट बागा भाई को फोन लगाइए ना, पूछे ना वो कहाँ पहुँचे। अरे मैंने अभी 5 मिनट पहले उससे बात की, उसने बोला कि 5 मिनट में पहुँच रहा हूँ। अरे जीजा जी मैं ही फोन लगा देता हूँ, ये सब मारा मारी चल रही है। और अब माय डियर जीजा जी इनका फोन तो बिजी आ रहा है। अच्छा, हाँ देखो
बिजी आ रहा है। अभी किससे बात कर रहा होगा? अरे मुझे क्या मालूम। मजा आ रहा है मुझे। आ गए बागा भाई, आ गए। बागा भाई कहाँ है? अरे बावरी जी ने भी आपका इंतजार नहीं किया होगा, उससे भी ज्यादा इंतजार आज मैंने आपका किया है। सुंदर भाई, वो बड़े सयाने कह गए हैं ना, लंबे इंतजार के बाद जब मिलन की घड़ी आती है तो वो बहुत ही आनंद देती है। हाँ सुंदर भाई, बागा भाई सही कह रहे हैं। वो शराबी पिक्चर में लंबे इंतजार के बाद दया प्रधान जी आए थे, तभी अमिताभ बच्चन साहब खुश हुए थे और खुशी से गा उठे। गम के अंधेरे डले, बुझ के सितारे जले, देखा जो तुझे दिल में जान आई, छा गई फिर वही के खुदी। ला ला ला, भाई रिमोट है तो बंद करे। ये तो बका बका बका, अरे पदुड़ो ना था। ला 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 ला। सीट जी दे दू? हाँ दे दे दे, ये लीजिए सुंदर भाई। ये इतना पतला क्यों है? 50,000 की नोट बाजार में आ गए? नहीं तो फिर इसमें क्या है? इसमें पैसों तो नहीं है? हाँ पैसा नहीं है, इसमें ट्रेन की टिकट है, तेरी और ये तीन की, मुंबई से अहमदाबाद। ओ भाई साहब, लेकिन मैं इनके साथ अहमदाबाद क्यों जाऊंगा? अरे भाई क्या, 2 लाख का जो मुझे बंदोबस्त करना था वो हो नहीं पाया। पर सुंदर भाई के घर में वहाँ अहमदाबाद में 2 लाख रेडी ही पड़े हैं। मतलब जिस बैग में उन्होंने रखे वो बैग गलती से वो अहमदाबाद में ही भूल गए, वो मुंबई लाने वाले थे। तो जैसे तुम उसके साथ जाओगे, हाथों हाथ तुमको 2 लाख रुपए दे देंगे और कल के कल दूसरी ट्रेन में तुम वापस मुंबई आ जाना। अरे भगा, इसमें इनकी रिटर्न टिकट भी है ना? नहीं नहीं सेठ जी, वो यहाँ है, ये लीजिए। हाँ ले लो, ये तुम्हारी रिटर्न टिकट है कल के कल की वापस आने की। हाँ अरे पर वो ये 2,000 भी रखो चाय पानी का, और ये 2,000 सिर्फ तुम्हारे लिए है, इनका ये लोग देख लेंगे। हाँ लो। अरे मैं ऐसे अहमदाबाद नहीं जा सकता, रुकिए पहले अपने सेठ जी से पूछ लेता हूँ। हाँ पूछ लो। हाँ सेठ जी, ठीक है सेठ जी, ठीक है सेठ जी ने बोला है कि मैं अहमदाबाद जा सकता हूँ। शाबाश, लो लो चलो भाई। ए, एक मिनट एक मिनट। जीजा जी ये सब क्या है? अरे माय डियर बोलना भूल गया। जीजा जी के पहले हर बार तो माय डियर बोलते हैं ना, इस बार खाली जीजा जी निकला। माय डियर जीजा जी, ये सब क्या है? समझा था क्या हुआ, मुझसे भी 2 लाख का इंतजाम नहीं हुआ और खन्ना साहब का मैनेजर ने भी लटका दिया, तो मैंने सोचा तू एक नई बढ़िया चीज शुरू करने जा रहा है, अभी धंधे की शुरुआत में ही अगर खरीदा हुआ माल वापस देना पड़े तो अपशगुन कहलाता है ना, इसलिए मैंने ये सब सेटिंग किया। इससे क्या होगा कि इनको इनके पैसे मिल जाएंगे, तुझे अपना माल मिल जाएगा और मेरे 2 लाख बच जाए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, 2 लाख तो नहीं दिए, 20,000 लेके टैक्सी का भाड़ा भी वसूल कर लिया और ट्रेन की टिकट भी उसी में से करवा दी और मुन्नू को मेरे ही 2,000 देके सेटिंग कर ली। वाह, पूरी दुनिया को टोपी पहनाने वाले सुंदरलाल को आज पहली बार किसी ने टोपी पहनाई है। क्यों, क्या सोचा था हर बार की तरह इस बार भी मुझे आंटी में ले लेगा? अरे भाई हर शेर पे 1.25 शेर होता है और हर नेले पे दहला होता है। मान गए माय डियर जीजा जी, मान गए। वाह माय डियर जीजा जी वाह, आपने तो मस्त सेटिंग कर दिया सब, है ना? मानना पड़ेगा आपको। हाँ तो चलो भी निकल, कहीं ट्रेन छूट ना जाए। हाँ बका बैलू, तुम लोग जाओ प्लेटफॉर्म पे, सब माल सामान पहुँचा दो, मैं 5 मिनट में आता हूँ। जी सुंदर भाई।
और बाका तू भी कोई टैक्सी रिक्शा जो भी मिले जरा रोक। जी सेठ जी। अच्छा सुंदर भाई चलता हूँ। बोली तो सुंदर कैसे लगी सेटिंग? बराबर ना? अरे एकदम बढ़िया सेटिंग। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतनी बढ़िया सेटिंग कर सकते हो। ये तो कुछ भी नहीं है भाई, किसी दिन तेरे पास फुर्सत होना था साथ में शतरंज खेलेंगे। शतरंज खेलना आता है ना? हाँ हाँ आता है ना, बढ़िया शतरंज खेलना आता है। अरे मुझे तो ऐसा था कि मुझसे बढ़िया शतरंज खेलना किसी को आता ही नहीं है। अच्छा, पर आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया जीजाजी। वेल प्लेड जीजाजी, वेल प्लेड। मेरा क्या, मैं जब भी शतरंज खेलने बैठता हूँ ना तो क्या छोटे छोटे प्याते ऊंट आते इन पे मेरी नजर जाती नहीं है। मेरा लक्ष्य सीधा राजा पे जाता है, खटाक करके उड़ा देता हूँ। जीजाजी जब शतरंज में कोई मेरे राजा को उड़ा देता है ना तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। अच्छा क्यों भला? क्योंकि मेरे राजा को उड़ाने के बाद उसका कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील हो जाता है और दूसरी ही गेम में उसके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठा के मैं यूं ही जीत जाता हूँ। तू नहीं सुधरेगा? नहीं बिल्कुल नहीं साला, किसका हूँ। चलिए माय डियर जीजाजी चलता हूँ। ओके संभल के जाना। जी जीजाजी बाय। माय डियर जीजाजी इस बार बहुत ही मजा आया और अगली बार इससे भी ज्यादा मजा करेंगे। तैयार है ना? आओ जो। तैयार तो रहना ही पड़ेगा ना बेटम जी, क्योंकि मुझे पता है ये हार तुझे आसानी से हजम होने वाली है नहीं। लेकिन बेटा आज तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, मेन पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। काल हो गया दोस्तों। कहते हैं ना कि 100 दिन सास के एक दिन बहू का, ये कहावतें बिल्कुल सिद्ध हो गई है गोकुलधाम में। शिकारी खुद शिकार हो गया है, बाजीगर बाजी हार गया है और सयाद खुद जाल में फंस गया है। यही हुआ है गोकुलधाम में। सुंदरलाल जो अपने जीजाजी जेठालाल को हमेशा चूना लगाते थे, इस बार जेठालाल ने सुंदरलाल को चूना लगा दिया है। बिल्कुल ठीक सुना आपने, जो खेल सुंदरलाल ने शुरू किया था वो जेठालाल ने खत्म किया। लेकिन आपको क्या लगता है खेल खत्म हो गया? नहीं नहीं नहीं, सुंदरलाल ने कच्ची गोलियां नहीं खेली है, अभी कहानी में एक ट्विस्ट बाकी है। और ये ट्विस्ट क्या होगा? अरे अभी बता दिया तो फिर मजा क्या। उसके लिए देखिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.